आपका टीवी से बॉलीवुड में स्वागत है। जिस तरह के आपका शो पुष्पा इम्पॉसिबल सब टीवी पे डट के खड़े हैं और तारक मेहता का हमेशा जवाब देता रहता है कि हम भी हैं शो, हमें भी लोग प्यार देते जितना तुम्हें देता है, और आप लोगों का मेहनत, आप लोगों का हर कामयाबी, हर टीम एकजुट मिलकर जो कर रहे हो ना, दो लोगों के दिल पर राज कर रहे हो आप। ख़ास तौर पर आपको जो माँ बनी पुष्पा इम्पॉसिबल, जो हर चैलेंज को स्वीकार करते हैं, हमेशा कामयाब बनते हैं। इतने दिन में क्या टर्न ट्विस्ट हुआ, क्या नया करेक्टर आया है और क्या क्या आप लोगों ने मसाला गुल खुलाया है, बताएंगे? अभी तो बहुत 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 कुछ हो गया है, क्योंकि हमारा जब से एपिसोड 15 मिनट्स का हुआ है तब से एवरीथिंग मतलब बहुत कुछ हुआ है। और मतलब कि एक्सीडेंट हो जाता है वहाँ पे, उसको हम शक्ल दिखती है उसकी, एंड वीरेन जो है वो वीरेन फितरवार जो है वो चाल चलाता है, फिर वहाँ पे जो हमशक्ल है जो पुष्पा की उसको लेकर आता है, पुष्पा बनाता है। और वीरेन फितरवार को ऑलरेडी बहुत खुन्नस रहती है हमारी फैमिली से, तो वैसा पूरा सीक्वेंस है। और मतलब बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आ रहे हैं हमारे फैमिली के लिए भी, क्योंकि मतलब हम लोग पहचान नहीं पा रहे हैं। वो पुष्पा जो है वो नाटक करती है कि मतलब मैं याददाश्त चली गई है, पुष्पा तो हालांकि है नहीं, बसंती है, बट स्टिल बसंती एक्ट करती है ऐसा कि मैं याददाश्त चली गई है ऐसा वैसा, ताकि वो उसकी असलियत सामने ना आ जाए। बट स्टिल जो बसंती है उसको चोरी चपाटे का बहुत रहता है, मतलब कुछ भी अच्छी चीज़ रही तो चुरा लेती है। फिर कानपुर में, कानपुर या भाषा में कभी भी बात करना शुरू हो जाती है तो उसमें से हम लोग को डाउट होता है। बट शायद ऐसा लगता है ना कि जब किसी की मेमोरी जाती है तो बहुत कुछ सारी चीज़ें, दूसरी चीज़ें होने लग जाती है उसके साथ, तो हम लोग उसको छोड़ देते हैं, इतना डाउट नहीं कर पाते। तो आगे जाके हमको पता चलने वाला है कि पुष्पा नहीं है, ऐसा वैसा कुछ होने वाला है। आई डोंट नो अब कैसे होगा, उसको कैसे लेके जाएंगे, वो भी एक बहुत बड़ा ट्विस्ट होने वाला है, तो आप ज़रूर देखना। हम राशि जी, हम जानना चाहते हैं शो में जिस तरह का दिख रहा है, डबल रोल कर रहे हैं पुष्पा जी, देखा जाए तो ये कोई साजिश है या किसी ने भेजा है आपके घर में संयंत्र रचने के लिए? खास तौर आपको भी देख रहा हो, काफ़ी सारे मुसीबत का सामना करना पड़ता है, कोई बीच में और विलन आ जाता है जो आपको छेड़ते हैं, बताओ। फिर इसके बाद आपको ऑडिशन देकर एक्टर बनना है, मतलब देखा जाए तो आप भी ना उभरते पुष्पा जी के कदमों नक्शों पर चल रहे हो, मुश्किलों का सामना करना सीखना। मतलब राशि के साथ भी कुछ कुछ होता ही रहता है, अभी वो पिंपल्स का हुआ था, फिर वो प्रभास वाला गुली वाला हुआ था, फिर उसके बाद अभी पुष्पा का एक अलग आया है कि बसंती है, अभी इसके साथ कैसे डील करना है, क्या करना है, फिर ऑडिशन वगैरह तो ये देती रहती है। तो मतलब सबके अलग अलग अपने अपने कुछ कुछ चल रहा है। दिलीप और चिराग का चल रहा है, बापूदा और चिराग का कुछ कुछ चल रहा है, प्रार्थना का अलग चल रहा है, दीप्ति का अलग चल रहा है, तो मतलब सबका सस्पेंस सबसे भरा हुआ है, मतलब सबके लाइफ में। लेकिन आपके लाइफ में भी देख रहा हूँ कि धीरे धीरे आप ना फ्रंट सेंटर पर, जैसे पुष्पा जी के कदम से कदम चला कर चल रहे हो आप, जिस तरह हर मुश्किलों को जिस तरह सामना करना पड़ता आप ही करते हो, चाहे ऑडिशन के लिए क्यों फाइट करना हो, लोगों को एकजुट क्यों कर, नारी शक्ति को नहीं दिखाना हो पर वो भी दिखाती हो, तो इस तरह आगे जाकर हम रियल लाइफ में देखें, आगे जाकर हम राशि को फिल्मों में देख सकते हैं, जिस तरह की आपके एक्टिंग की आपको जो प्यार मिल, यह दृष्णा को हम देखना चाहते हैं, क्योंकि हर एक्टिंग जो है ना, हर खूबी आपने दिखा दिया शो में, इमोशन भी, मतलब लाफ्टर भी, वो तो एक्टर का काम है करना। हाँ, तो वही एक चैलेंज होता है, उस चैलेंज का आपको प्यार पब्लिक ने अब देख लिया आपको, कि हाँ ये लड़की हर मल्टी स्टार है, इसके अंदर टैलेंट है। तो हम एक चीज़ और जाती है, हम जानना चाहते हैं कि आपके अगर मौका मिले तो बॉलीवुड में किसके साथ काम करना चाहते हो? मेरे वैसे तो कोई ड्रीम नहीं है, बट मैं बचपन से अक्षय कुमार सर के साथ करना चाहती हूँ। मतलब मैं और मेरे भैया उनके इतने बड़े फ़ैन हैं, उनके मूवीज़ के, एक्टिंग के, एक्शन के, सब चीज़ के। इज़ अ वेरी वर्सेटाइल एक्टर, मतलब इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, सो आई रियली रियली वांट टू वर्क विद हिम। एक अक्षय कुमार सर होंगे और एक श्रद्धा कपूर मैम होंगी, ये दोनों मेरे टॉप लिस्ट पे आते हैं जिनके साथ मेरे को एक्टिंग करनी है। देखा यार, दोनों फैमिली हीरो है, मतलब बेसिकली लोग फैमिली ऑडियंस के लिए बनाते हुए पिक्चर, बेसिकली बैलगल तब बहुत कम कर दोनों ही लगते, इसलिए शायद आप भी फैमिली ग्राउंड से अच्छे हो, इसलिए आपको फैमिली वाला ही हीरो पसंद है आपको लग रहा है मुझे। वो नहीं पता लेकिन मेरे को अच्छा लगता है। हम बात करें आखिरी शो का, हम बात करें हम किस तरह का दिवाली गया आपका, कैसे मनाया आप लोगों ने दिवाली? मैंने पर्सनल लाइफ में तो बहुत प्यारी दिवाली बनाई, मैं अपने घर गई थी, वहाँ पे पूजा वगैरह, फटाके वगैरह फोड़े, और मतलब मेरे को बहुत मज़ा आया। और यहाँ पे तो अभी दिवाली हम लोग शूट करेंगे थोड़े दिनों बाद, सो लेकिन देखा जाए तो हम रियल लाइफ में भी आप बहुत फनी, बड़ा स्माइलिंग, बड़ा खुश मिजाज रहती हो सेट पे, मतलब पूरा माहौल बना देती हो सेट पर, जो भी नर रोता है वो भी हंस देते हैं, लेकिन इसने ये भी एक टैलेंट है। मतलब देखा जाए तो हमेशा अपने लाइफ में टेंशन में लोग रहते हैं, लेकिन आप कुछ ना कुछ ऐसे करते हो, पॉजिटिव भी करते रहते हो। हाँ, तो आपको इस तरह की, मतलब नहीं लगता लोगों को चेहरे पे मुस्कान देना चाहिए, तो ये टैलेंट शुरू से था या अभी सेट पे आपने सीखा? क्या पता नहीं, मैं तो मैं ही हूँ, जो हूँ वो भगवान ने मेरे अंदर कुछ डाला है, पता नहीं, खुश हो जाते हैं।
चलो अच्छी बात, उम्मीद करते हैं हम दर्शना को इसी तरह हमेशा रहे और हर कामयाबी आपको मिले। अपने ऑडियंस के लिए, टीवी शो बॉलीवुड के लिए कोई मैसेज देना चाहते हैं आप जी? मैं आप लोगों को बहुत सारा थैंक यू और बहुत सारा आप लोग को भी प्यार देना चाहूँगी कि आप लोगों ने हमें इतना सारा प्यार दिया और इतने अच्छे से सीरियल जारी हमारी। थैंक यू सो मच एंड बाय। हाय, मेरा नाम है देशान दुगड़, मैं राशि पटेल का किरदार निभाती हूँ पुष्पा इम्पॉसिबल में और आप मुझे देख रहे हैं टीवी से बॉलीवुड।